आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मेरे थंबनेल पर लिखा हुआ था कि फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करें कैश ऑन डिलीवरी। तो आज मैं यही बताने वाला हूं कि आप कोई भी प्रोडक्ट को आप कैसे ऑनलाइन कीजिएगा कैश ऑन डिलीवरी के रूप में। तो चलिए मैं आपको वीडियो को स्टेप बाय स्टेप करके बता देता हूँ। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ दिलीप। तो आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल दिलीप चैनल। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टेक्निकल दिलीप चैनल में। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा, वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करके आपको स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगा फ्लिपकार्ट, तो उसको आपको अति इंस्टॉल कर लेना होगा। तो चलिए मैं इंस्टॉल करके अब इसको ओपन कर लिया हूँ। और इसमें ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इस तरह का इंटरफेस दिखाई देने के बाद यहाँ पे आपको सर्च बार में जा कर के टाइप कर देना होगा आप जो भी प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहते हो। तो चलिए मैं एक बोया का माइक ख़रीदना चाहता हूँ, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे बोया माइक। बोया माइक लिखने के बाद यहाँ पे मैंने सर्च कर दिया हूँ। और उसके बाद देख रहे हैं आप लोग कितना सारा बोया का माइक है। तो मेरे बेटर ये है, एक यूट्यूबर के लिए सबसे बेटर माइक यही होता है, जो कि काफ़ी यूट्यूबर भी लेता है और मैं भी यही माइक को यूज करने वाला हूँ। तो चलिए मैं इसको आप ऑनलाइन करके आपको दिखा देता हूँ जो इसको ऑनलाइन कैसे करते हैं। सिर्फ ये बोया का माइक ही नहीं, बल्कि आप कोई भी प्रोडक्ट को ऐसे ही सर्च करके आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसमें आने के बाद आपको यहाँ पर जो बाय दिखाई दे रहा है, ये बाय पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं बाय पर क्लिक कर देता हूँ। बाय पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से अगर आप ऑलरेडी एड्रेस डाले हुए हैं तो एड्रेस को आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है चेंज और एड्रेस, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपको न्यू एड्रेस टाइप करना होगा, तो आप न्यू एड्रेस टाइप कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है एड ए न्यू एड्रेस, तो इस पर आपको टाइप करना होगा। इस पर टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे ये पूरा डिटेल को भरना होगा स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट में दिखाई दे रहा है फुल नेम, तो आपको फुल नेम डालना होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर है तो आपको मोबाइल नंबर डालना होगा। उसके बाद पिन कोड है तो आपको पिन कोड डालना होगा। उसके बाद स्टेट है तो स्टेट डालना होगा। उसके बाद सिटी है तो सिटी डालना होगा। इसी प्रकार आपको पूरा फ्लिप करके यहाँ पे सेव एड्रेस पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो मैं ऑलरेडी ही सेव करके रखा हुआ हूँ, तो इसलिए मैं चेंज नहीं करना चाहता हूँ। तो चलिए मैं यहीं से अब कंटिन्यू कर देते हैं। आप जब एड्रेस फिल कीजिएगा उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा देखने के लिए, तो आपको कंटिन्यू कर देना होगा। तो चलिए मैं कंटिन्यू यहाँ पर कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद कुछ आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, कुछ नया पेज। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जाएगा जो आप किस प्रकार से आप इसको ऑनलाइन यानी कि पैसा पेमेंट करना चाहते हैं, यानी कि आप कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं या नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं या वैलेट से करना चाहते हैं। तो हमको तो ये सबसे नहीं करना है, हमको तो कैश ऑन डिलीवरी करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है कैश ऑन डिलीवरी, तो इस पर मैं क्लिक करके प्लेस ऑर्डर जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे मैं प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर रहा हूँ। और इस प्रकार मेरा ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ पे जो आप दिखाई दे रहे हैं इसको कैप्चा, तो यहाँ पे आपको कैप्चा आपको फिल करना होगा। जो आपका कैप्चा है ऐसे ही आपको भी कैप्चा आएगा। तो चलिए मैं कैप्चा करके यहाँ पर कंटिन्यू कर देते हैं, उसके बाद मेरा ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाएगा। आप लोग देखते रहिएगा वीडियो को। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ऑर्डर प्लेस, यानी कि 14 हमको कॉइन्स भी मिला है। ये कॉइन्स ऐसे ही जितना प्रोडक्ट के अनुसार रहता है इतना ही आपको होता है। इसके बाद आप जैसे कि देख रहे हैं मेरा ये ऑर्डर सक्सेस हो गया है। तो अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ जब मेरा अब ये ऑर्डर कब आएगा नहीं आएगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो 3 लाइन दिखाई दे रहा है इस 3 लाइन पर जाना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो ऑर्डर माय ऑर्डर है इस पर आपको क्लिक करना होगा। माय ऑर्डर पर क्लिक करने के बाद आपको दिखाई दे जाएगा जो आपका जो अति है कब आएगा और कितना तारीख में। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर फुल नाम अभी जो मेरा है ये आएगा कम से कम 4 जून को, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये इसी डेट में मेरा आएगा।
तो आप समझ ही गए होंगे कि फ्लिपकार्ट से कैश ऑन डिलीवरी कैसे किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में। तो मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।